Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you are watching Beat Blaster. So, guys, आपके लिए आ गया नई वीडियो और आज की वीडियो होने वाली है भाई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि कीर्ति और अल्विश के कुछ मोमेंट्स है ना पुराने पुराने वो लेके आओ तो वो वीडियो भी कोशिश करूंगा मैं कि फिनाले से पहले पहले भाई आपको वो वीडियो मिल जाए। फिलहाल आज की वीडियो होने वाली कीर्ति मेहरा का इंटरव्यू होने वाला। बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट सी है, बहुत ज्यादा यार बहुत अच्छी नेचर बहुत सही है भाई कीर्ति की। और इनमें डिफरेंसेस क्यों है भाई, अल्विश को पसंद है यार। हां, और इनमें डिफरेंसेस क्यों आए, ये साथ में क्यों नहीं, ये रीजन नहीं पता भाई कि क्या है ऐसा भाई, तो वो नहीं पता चीज। एंड बाकी दूसरी बात ये है कि कीर्ति ये भी कह रही थी भाई एक वीडियो में मैंने देखा था कि जो हमारे बीच में, मैं बताने को तैयार हूँ सब कुछ, बट ये है कि उस बंदे की लाइफ पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े इस चीज़ का, इसलिए मैं बताती हूँ दिल खोल के भी। तो फिलहाल कीर्ति के इंटरव्यू भाई इसलिए हो जा रहे हैं अल्विश के बारे में पूछताछ करने के लिए, साफ जाहिर है। सो फिलहाल इस इंटरव्यू को प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस भाई, अंदर की बातें जानते हैं अल्विश के बारे में थोड़ी सी। वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है। मैं क्या है, डरूंगी किसी से? मेरे को डर भी नहीं है, मैं बोल दूं, पर मैं सिर्फ सारी चीजों को लेकर ना श्योर होना चाहती हूँ कि अगर मेरे मुंह से कुछ निकले तो सामने वाला बंदा उस पर पॉइंट आउट ना कर सके। किल्विश क्यों बोला उसने KISA? अच्छी चीज ये है कि वो जिसको एक बार अपना मान लेता है ना, तो उसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी है। आपकी ऑडियंस 500 रुपए दे के देखेगी आपको क्या, ये वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी। फिर ऐसे कर रहे कीर्ति मेरा। हाय, वेलकम टू हर जिंदगी कीर्ति। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कीर्ति मेहरा कौन है? मैं हूँ। सो कीर्ति मेहरा एक नॉर्मल ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की है जिसको एक टाइम पे यूट्यूब में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ डांस में इंटरेस्ट था, ड्राइंग में इंटरेस्ट था, और वो सारी चीज़ें छोड़ के यूट्यूब में घुसी और इन सब लाइन में घुसी। फिर आपके सामने, अगर आप यूट्यूबर नहीं होती तो क्या होती? तो मैं शेफ होती। शेफ या फिर डांसर। कुकिंग, डांसिंग, मतलब एंड अगेन यूट्यूब में आप जो व्लॉग्स करते हो, व्हाट इज दैट कंटेंट व्हिच यू लाइक टू यू नो टॉक अबाउट द मोस्ट? मेरे को तो लगता है कि मैं पहले डेली व्लॉगिंग में घुसी बहुत मुश्किल से रही थी। मुझे था कि मेरे को डेली व्लॉग्स बनाऊंगी तो मैं ऑडियंस को क्या दिखाऊं, मतलब कोई इंटरेस्ट भी क्यों लेगा कि मेरे घर में क्या चल रहा है या मम्मी को मैंने क्या बोला है कि मैं ला के दूंगी और मैंने नहीं ला के दिया। फिर मैं घुस गई तो डेली व्लॉग्स में मुझे समझ आया कि ऑडियंस जब आपसे कनेक्ट करती है ना तो उन्हें सब कुछ देखना है आपका। आपका ट्रैवल भी देखना है, आपके घर के कलेश भी देखने हैं, आपके पर्सनल लाइफ के कलेश भी देखने हैं, सब कुछ देखना है उन्हें, क्योंकि उनको एक कनेक्ट मिल जाता है कि अब तो ये हमारी है, अब हमें सब कुछ जानना है इसके बारे में। तो उनकी तरफ से तो मेरे को लगता है कि सब कुछ ही सही है। मेरी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि ट्रैवल व्लॉग मैं ज़्यादा करूँ, और ट्रैवल अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो चैलेंज वीडियोस करूँ या फिर कुछ ऐसा नया लेके आ सकूँ जिससे ऑडियंस हंसे, उनको ऐसा चैनल देख के खुशी हो, उदास ना हो कि यार ये तो व्यूज़ लेने आ गई, सिंपति लेने आ गई। अच्छा, ऐसा अक्सर कहते हैं लोग यू नो कि यूट्यूबर्स फेक होते हैं, इनकी जो लाइफ जो दिखती है और जो असल जिंदगी है उसमें बहुत फर्क है। आप कितने अनफिल्टर्ड और कितने बेबाक हो? काफी सारे हैं जो फेक होते हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं रियल होते हैं, कुछ होते हैं फेक दिखाते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल रियल दिखाते हैं। मुझे लगता है कि काफी ज्यादा रेशियो ऐसा भी है जो जान पूछ के दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ ऐसी है ऐसी है ऐसी है, और ऑडियंस ना बहुत तेज है, बहुत तेज है, देख के पता चल जाता है कि वो रियल है या फिर वो फिल्टर लगा रहे हैं। हम रियल लाइफ में होके रियल लाइफ किसी को नहीं दिखा पाते, हम तो फिर भी कैमरे पे हैं। तो जैसे अगर आप भी किसी से बात कर रहे हो, आप कितना अपने आप को रियल दिखा पाओगे? कुछ इमोशंस आप अपने तक भी रखते हो, तो काफ़ी चीज़ें नहीं दिखाते। पर मेरे को लगता है मैंने अपनी लाइफ जहाँ तक कोशिश करी है वो यही कोशिश करा है कि जितना हो सके उतना रियल दिखाऊं जो मेरी लाइफ में चल रहा है, जो नहीं चल रहा, ताकि ऑडियंस कनेक्ट कर पाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो साइड में ऐसे छुपा के रखी हुई हैं, वो बस दिखा नहीं रहे लेयर्स के अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेक हैं। तो कुछ चीज़ें छुपा के रखते हैं क्योंकि ऑडियंस का पता नहीं होता कि वो किस तरीके से उन चीज़ों को लेंगे। पर
मैं अपनी ऑडियंस को सबको ये कहती हूँ कि मेरी लाइफ जो है वो खुली किताब की तरह है. मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ जो हुई हो वो छुपा दी हो व्लॉग में आके, ऐसा कभी नहीं हुआ. मतलब आई कैन से कि कीर्ति मेहरा इज एब्सोल्युटली अनफिल्टर्ड एंड शी इज गोइंग टू टॉक अनफिल्टर्ड एंड कैंडिड. कैन वी से दैट? हाँ, वी कैन. बोलूंगी नहीं पर अगर बोलूंगी तो रियली बोलूंगी. अच्छा, जो बोलूंगी वो सच बोलूंगी. हाँ. सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी. वैसे ना बोलूंगी नहीं, वरना बोलूंगी नहीं. अच्छा अच्छा, टॉप अगर मैं बात करूँ, आपने बोला कि यूट्यूबर्स के बारे में बात करें हम लोग, टॉप 3 कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको पसंद है. ऑल्सो इनकी जो पॉपुलैरिटी है आज की डेट में एक्टर्स से ज़्यादा हो चुकी है. व्हाट मतलब इसके बारे में क्या कहना है आपका? मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि टेलीविजन एक्टर्स और बॉलीवुड एक्टर्स जितने भी हैं उनसे ज़्यादा एंगेजमेंट आज के टाइम पे यूट्यूबर्स दे रहे हैं. नो डाउट. और मुझे लगता है वो इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस उनसे ना ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही है. मैंने नहीं देखा कि कोई भी, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो एक्टर हो या कोई भी, सोशल मीडिया पे आके अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं या कनेक्ट कर रहे हैं या मीटअप्स कर रहे हैं. अगर आपको कोई फॉलो कर रहा है और इतना डेडिकेटेडली फॉलो कर रहा है तो वो इन रिटर्न कुछ तो रिप्लाई डिजर्व करता है ना. तो मुझे लगता है कि वो वहाँ पे लैक करते हैं इस सब चीज़ों को लेके. और यूट्यूब ऐसी इंडस्ट्री है कि वो अपनी ऑडियंस को बहुत ऐसे हाथों में संभाल के रखते हैं. बिल्कुल. तो इस वजह से ज़्यादा उनकी तरफ लोग चले गए हैं. और बॉलीवुड में ऑलरेडी काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी हैं जिसकी वजह से लोगों ने थोड़ा बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है. तीन कौन से नाम है वो फेवरेट? थ्री यूट्यूबर्स. थ्री फेवरेट यूट्यूबर्स. फेवरेट तो ऐसा है नहीं बट हाँ, राउंड टू हेल अच्छे लगते हैं. अच्छा, कीर्ति मेहरा अच्छी लगती है. वो तो पहले आना चाहिए था ना, कीर्ति मेहरा. फिर ऐसे करते कीर्ति मेहरा कीर्ति मेहरा कीर्ति. राउंड टू हेल अच्छे हैं. कीर्ति मेहरा तो ठीक है. प्रजक्ता कोहली एक है, मेरे को पता नहीं है नाम लेना चाहिए या नहीं. नहीं नहीं, व्हाई नॉट? इज देयर समथिंग व्हिच इज एक्चुअली स्टॉपिंग यू टू से? बिकॉज़ पर्सनली व्हेन आई सॉ योर वीडियोस आल्सो, लाइक 3 साल पहले जब मैंने इंटरव्यूज देखे थे आपके, मैंने तब भी कहा था कि उस टाइम की कीर्ति मेहरा में और अब की कीर्ति मेहरा में कितना फर्क आ चुका है. उस वाली कीर्ति ने ना ठोकरें नहीं खाई थी. अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें रोक रही हैं कि मुझे चीज़ें बोलनी है नहीं बोलनी, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सामने लोग कैसे लेते हैं उसको नहीं लेते. कितनी मैच्योर है भाई, है ना. बहुत ऐसे धाकड़ लड़की हूँ, पंजाबी खानदान से लड़की हूँ मैं. मैं क्या डरूंगी किसी से? मेरे को डर भी नहीं है, मैं बोल दूँ. पर मैं सिर्फ सारी चीज़ों को लेकर ना श्योर होना चाहती हूँ कि अगर मेरे मुँह से कुछ निकले तो सामने वाला बंदा उस पर पॉइंट आउट ना कर सके कि देखिए गलत बोला तूने. Now if I ask you कि female YouTubers को generally बहुत ज़्यादा trolling का भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे crazy comments या फिर crazy fans जिसे हम कहते हैं, so have you ever faced trolling or what is like how do you take that? या जब मैंने last interview दिया था ना तब मैंने इसका answer दिया था, तब बोला था मैंने कि मैंने इतना trolling face नहीं करी है क्योंकि मेरी audience जो है वो हमेशा दीदी दीदी करके बहुत प्यार से रही हैं. मेरी ऑडियंस अभी भी वैसे ही है, पर होता है ना दूसरों की ऑडियंस जब जब आती है और वो कमेंट करते हैं तो उन्हें नहीं पता कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो, तो वो आके सुना के कुछ भी चले जाते हैं. मैंने किसी यूट्यूबर को नहीं देखा कि उनके इंस्टा के नोटिफिकेशन ऑन हो. मेरे इंस्टा के नोटिफिकेशन ऑन थे कि एक भी कमेंट आए ना तो वो मैं पढ़ लूँ, और अगर कुछ ऐसा है तो मैं उसको या तो ब्लॉक मारूँ या डिलीट करूँ. कुछ टाइम से ऐसा हुआ है कि मैंने सारे नोटिफिकेशन बंद कर दिए. तुम्हें जो कमेंट करना है तुम करो, तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो, मैं देख ही नहीं रही. अच्छों पे रिप्लाई करती हूँ, सबसे बात करती हूँ, पर जो बुरे हैं मेरे को नहीं लगता मुझे उन पे रिप्लाई करना है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता. कुछ होते हैं ना एकदम अंधे पागल आशिक आर्मीज वो आगे ऐसे कुछ भी बोल के चले जाते हैं. एक चीज पे मैं बात कर सकती हूँ इस पे कि कुछ लोग मेरे को आके बोलते हैं आपने तो धोखा दे दिया, आप तो छोड़ के चले गए, आपने तो ये कर दिया वो कर दिया. और मैंने हमेशा ये बोला है कि गाइज मेरी जो लाइफ है वो आप लोगों के सामने खुली किताब है. मुझे कोई भी पेज आप बोलोगे ना उठा के इसको पढ़, मैं पढ़ने को तैयार हूँ. सामने वाला रेडी है बोलने के लिए? नहीं है. तो मैं आके कितना इंसल्ट करवा सकती हूँ अपनी?
क्योंकि मेरे लिए भी ये डिसरिस्पेक्टफुल है ना. मैं आऊं सोशल मीडिया पे, मैं अच्छा अच्छा बोल के जाऊं, विशेस दे के जाऊं, और सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं है. और ऑडियंस कुछ इतनी अच्छी भी है जो मेरे को आके बोलते हैं कि आप मत बोलो, छोड़ दो. और कुछ लोग हैं कि अगर मैं बोलूं तो भी दिक्कत है, अगर मैं ना बोलूं तो भी दिक्कत है. अगर मैंने बोल दिया तो व्यूज खाने आ गई, नहीं बोला तो धोखा दे के चली गई. अभी तक कुछ नहीं बोल रही. सही बात है भाई. मैं क्या करूं? लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं. जबकि मैंने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, जितने पॉडकास्ट में गई हूँ, हर जगह मैंने अच्छा ही बोला है. मैंने स्टोरीज में भी सपोर्ट किया. मैंने एक वीडियो डाली थी और मैंने बोला था ये मेरी फर्स्ट और लास्ट वीडियो है बिग बॉस से रिलेटेड. तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोग मेरे को आके बोले यार व्यूज के लिए तू डाल रही है. क्योंकि आज के टाइम पे जितने बिग बॉस की वीडियोस आ रही है ना, लोगों की सब व्यूज के लिए आ रही है. एब्सोल्युटली. मुझे उसमें नहीं घुसना, क्योंकि मुझे वो चीज फेस करनी भी नहीं. मैंने 2 साल ऑलरेडी बहुत फेस किया है. तो मेरे को लगता है कि मुझे बोलना ही नहीं चाहिए. अब बोल लो तुम्हें जो बोलना है. जब ऊपर वाला बैठा है, सब कुछ देख रहा है, जब सच आएगा सामने, तब आप खुद आके बोलोगे कि दीदी यार सॉरी, गलती हो गई. और बोलेंगे, ये मैं लिख के दे रही हूँ, बोलेंगे. चलो यहीं पे मैं एक चीज़, अगली चीज़ पूछती हूँ आपसे. 3 साल पहले जब एजी के साथ आपने, हर जिंदगी के साथ आपने इंटरव्यू किया था, एंड आप और मोहित दोनों आए थे, ठीक है. सो यू वर टीम एलविश, राइट? आर यू स्टिल सपोर्टिंग? आर यू स्टिल द पार्ट ऑफ टीम एलविश? मैं सपोर्ट तो कर रही हूँ, क्योंकि एक मैं बहुत टाइम से एक चीज़ बोलना चाहती थी कि 18 से 24 साल की उम्र, 26 साल की उम्र वो होती है जिसको आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलते. चाहे आप कितने ही बूढ़े हो जाओ, चाहे कितने बड़े हो जाओ, क्योंकि 18 से 24, 25, 26 इस एज में आप वो सारे काम करते हो जो आपको लाइफ टाइम याद रहे. चाहे वो मस्ती करना हो, चाहे वो ब्रेकअप हो, चाहे वो रोना पिटना हो, कुछ भी हो. तो मैंने 18 से 26 साल अपने उधर दिए हैं, तो मैं भूल तो नहीं सकती. सपोर्ट भी मैं कर रही हूँ. अब सामने वाला बंदा अगर बिल्कुल ही डिनाई कर दे, एग्जिस्टेंस ही ऐसे बोल दे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? मैंने तो आके सबको बोला है हाँ था. और अगर ये फैक्ट कोई चेंज कर सके कि नहीं था कुछ, तो मेरे को नहीं लगता कि वो ह्यूमनली बिहेवियर है. जो बिग बॉस में के आई जो उन्होंने बोला है, वो क्या आप हैं या फिर यार मतलब या फिर कोई और है? मेरे को पता नहीं है कौन है. देखो मैं बता सकती हूँ कि 8 साल से मैं जानती हूँ, 8 साल तक चीज़ें सब मेरे को पता है. पर अभी अंदर क्या हो रहा है, किस सेंसेस में बोल रहा है या क्या सोच के बोल रहा है, मुझे नहीं पता. मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि जब एल्विश की एंट्री हुई, नाम ले दिया मैंने, जब उसकी एंट्री हुई तो फुकरा थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया. तो उसमें मेरे को लोग आके हेट देने लग गए कि आपने क्यों बोला फुकरे इंसान को ऐसे. पर मेरे को लगता है कि वो नॉर्मल एक ह्यूमन बिहेवियर है कि आप गेम में हो, आपको गेम खेलना है, और आपके सामने आपका कॉम्पिटिशन आ चुका है. अगर फुकरे का कॉम्पिटिशन एल्विश है, तो एल्विश का कॉम्पिटिशन भी फुकरा है. दोनों एक दूसरे का कॉम्पिटिशन है. तो जब गेम में दूसरा बंदा आया, उसको ऐसा लगता है कि यार कंपटीशन आ गया. तो मेरा मतलब उससे था कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी ना फेस पे दिखी कि कंपटीशन आ गया. तो वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि वो दोनों के ही फेस पे है. किल्विश क्यों बोला उसने के आई ऐसे, ये मुझे भी पहले लगा था कि ओ मेरे लिए बोल दिया. पर नहीं, मेरे को ऐसा आगे जो चीजें चली हैं वो मेरे को लग रहा है मेरे लिए नहीं बोला है. और मुझे पता भी नहीं है किस लिए बोला है. जब बाहर आएगा बात करूंगी ऑब्वियसली, तब पता चलेगा कि क्या है, क्यों है, या मेरे साथ क्या चल रहा था. किल्विश मुझे लगता है उसने शक्तिमान का वो जो कैरेक्टर है ना, नेगेटिव विलेन कैरेक्टर, अच्छा, किल्विश उसके लिए बोला है, क्योंकि हम उसके लिए बाहर भी जोक करते थे. पर वो शायद भूल गया कि वो कहाँ कनेक्ट हो जाएगा. अब उसको इतना समझ है कि बाहर के आई बोलते ही यहाँ पे जाएगा, वो गया भी. तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से रियलाइज नहीं हुआ. उसके दिमाग में कुछ आया होगा और उसको लगा कि यार ये उससे कनेक्ट हो जाएगा, तो उसने फिर एकदम से किल्विश बोल दिया. पर उसे ये नहीं पता कि किल्विश भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि दोनों का नाम जुड़ के किल्विश बनता है. मैंने आप लोगों के वीडियोस देखी हैं साथ में, आप लोगों के व्लॉग्स देखे हैं साथ में. एल्विश एज अ पर्सनालिटी इज वेरी आउटस्पोकन,
he is very dominating. He looks, you know, he talks in a certain way. बहुत सारे tags. I think एक जो tag है बहुत famous है पागल सी, जो कि I think उन्होंने ही आपको दिया था, Elvish ने. And और on the contrary जो आपकी personality है बहुत ही soft spoken, very innocent. It's a very it's like poles apart. So कभी ऐसा लगा है कि यू नो कि अपनी बात रखने में आपको कभी प्रॉब्लम हुई है, या आपको लगता हो कि यार यू नो कि दिस इज ये चाहे वो बात वो नहीं समझेगा वो इंसान? हाँ, काफ़ी काफ़ी बार ऐसा होता था, पर ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो गलत होता था. जेन्युइनली ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि मेरे में ही उस टाइम पे काफ़ी बचपना होता था, तो मैं चीज़ें समझने में दिक्कत दे देती थी, तो काफ़ी चीज़ों में वो सही होता था तो मैं मान लेती थी, काफ़ी चीज़ों में मैं सही होती थी तो वो मान लेता था. क्योंकि अगर मैच्योरिटी वाली लेवल पे सोचना होता था तो मैं ज़्यादा मैच्योर थी, पर अगर प्रैक्टिकली चीज़ों को एनालाइज करना है तो वो उसमें ज़्यादा तेज़ था, उसे पता होता था कि नेक्स्ट क्या होने वाला है. अभी रिसेंटली बिग बॉस में सलमान ने एल्विश को बहुत डांट लगाई है, एंड कहीं ना कहीं ऑडियंस जो है, जो हम आर्मीज की बात करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आए हैं, उनकी आर्मी रही है, किसी की कुछ आर्मी, एंड देन दे प्ले एंड देन दे से सर्टेन थिंग्स. डू यू थिंक इट इज राइट टू टेक बिग बॉस, मतलब सलमान इज एक्चुअली द बिग बॉस अगर की बात करें तो बिग बॉस और सलमान का नाम कोरिलेट करता है, तो क्या वो सही है एल्विश के लिए, यू नो ही इज टेकिंग डायरेक्ट पंगा विद सलमान? पर मुझे लगता है कि पंगा उसने नहीं, उसकी ऑडियंस ने ले लिया. उसे तो पता ही नहीं है बाहर क्या चल रहा है, और उसकी ऑडियंस तो ऐसी है कि भाई को कैसे कुछ बोले. वो सलमान खान बॉलीवुड के हैं, मुझे लगता है कि यूट्यूब का सलमान खान ये बन चुका है, तो इसकी ऑडियंस तो ऐसी हो चुकी है कि भैया को कुछ बोला है तो हम तो नहीं छोड़ेंगे. और वो कहीं ना कहीं जिस टॉपिक पर बात छेड़ी, ऑब्वियसली वो टॉपिक सही था, बोलना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था कि बाहर ये सब चीज़ें दिख रही हैं, गलत कर रहा है. पर मेरे को लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो गया, आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था उसमें. अगर आंटी को लेके आना चाहिए था तो फिर जिया के केस में भी लेके आना चाहिए था, क्योंकि जिया ने भी जो पानी में वैसा कुछ मिलाया था, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को अगर आप बुला रहे हो तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग फिर सबकी करो ना. मतलब एक की नहीं करनी. और उस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा वनरेबल सिचुएशन में था, और आंटी से बहुत प्यार है उसको, और उसी टाइम पे आंटी सामने दिख गई तो उसका ब्रेकडाउन हो गया काफ़ी. वो आंटी वाला फैक्टर नहीं लाते, बाकी सब मुझे ठीक था कि चलो कोई बात नहीं. और एक बात ये भी बोली थी कि आपकी ऑडियंस 500 रुपये दे के देखेगी आपको क्या ये वो, वो बहुत गलत स्टेटमेंट थी. किसकी? सलमान खान. उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, हाँ, कि वो बहुत कि आपकी ऑडियंस क्या आपको 500 रुपए. कीर्ति आजन भाई बिग बॉस में भी बुला लेने इसको. एल्विश ने मतलब इन द पास्ट फ्यू इयर्स व्हेन ही स्टार्टेड हिज करियर आल्सो, इट वाज फ्रॉम द रोस्ट. ही यूज्ड टू रोस्ट एवरीवन, फ्रॉम ऑल द बिग नेम्स टू बॉलीवुड स्टार्स टू ए लिस्टर्स एंड एवरीवन. व्हेन ही कैन से समथिंग एंड इफ ही इज नाउ लिसनिंग, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब प्रॉब्लम नहीं है, वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो सुने सुन नहीं सकता. वो सुन सकता है, उसके पास उसके ऊपर भी बहुत रोस्ट वीडियोस बनी है, तो वो पॉजिटिवली लेता है. जिस टॉपिक पे सलमान खान ने बोला वो भी बिल्कुल सही था, पर मेरे को लगता है कि इस टॉपिक पे आंटी को नहीं लेके आना चाहिए था. आप उसे सुनाओ, वो सुन रहा है, वो सॉरी बोल रहा है उस चीज़ पे, पर आंटी वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा चले गया. मेरे को लगता है वो पूरा टॉपिक, वो पूरा एपिसोड उस टॉपिक पे निकाल दिया. सो गाइज, ये थी वीडियो भाई कीर्ति का इंटरव्यू. कीर्ति इतनी स्वीट, इनोसेंट और मतलब मैच्योर सी है ना, मेन चीज है मैच्योर. ये एक चीज भी है, किसको पता है किसको क्या बात बोलनी. किसको? हाँ वही कह रहा हूँ कि इतनी मैच्योरिटी है भाई, ऐसी लड़कियाँ ना बहुत ही रेयर होती हैं कि जो भाई पूरी की पूरी मैच्योर हो, जिनको पता हो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है और क्या चीज़ है, मतलब कि पूरी मतलब कि समझना, चीज़ को अंडरस्टैंड करना वो चीज़ें. और मैं चीज़ सोच रहा था कि भाई अगर कीर्ति को बिग बॉस में लेके आ जाए भाई, मतलब ना एक दिन के लिए वहाँ में रहने के लिए कहें भाई, TRP शो की वो लग नेक्स्ट लेवल पे जाएगी और भाई जो अंतर देखने वाला होगा, मतलब कि क्या चीज़ें होगी और मनीषा के जो रिएक्शन होगा ना, जब मनीषा देखेगी भाई इस चीज़ को वो अलग होगा भाई. एंड बाकी भाई पता नहीं, अब तो शायद मुश्किलें आ पाए, अगर लेके आ गए तो फिर पता नहीं क्या होगा, बट मुश्किल ही है. ये चीज़ तो हो नहीं सकती पॉसिबल. एंड बाकी तो फिलहाल ये था भाई कीर्ति का इंटरव्यू, और अब फिनाले का वेट करते हैं, देखते हैं भाई फिनाले में क्या होता है. होप सो एल्विश जीते, और फुकरान खान का भी कॉम्पिटिशन है, उनके फैंस भी हैं तगड़े,
बाकी पता नहीं भाई, देखते हैं बाकी क्या ही रहता है। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में, गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।